वेलकम अंजुम के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ खाना बनाना चाहते हैं तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आदाब दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं बहुत ही मजेदार सी और बहुत ही ज्यादा हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है हरीसा। तो ये हरीसा हम बना रहे हैं थूली के साथ, जिसे के गेहूं के जो मोटे वाले दाने होते हैं वो भी कहते हैं, उसे दलिया भी कहा जाता है। और इसमें हम साथ में डालेंगे ओट्स, तो सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगी और बहुत ही मजेदार बनके तैयार होगा हमारा ओट्स और गेहूं का हरीसा। तो यहाँ दोस्तों, हरीसा बनाने के लिए हमने ले लिया है 1/2 kg थूली, जिसे दलिया भी कहा जाता है। ये जो होता है, ये गेहूं का मोटा वाला जो होता है, मोटे मोटे से टुकड़े होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और इसको मीठा भी बनाया जाता है। तो ये दलिया हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, गेहूं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और साथ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं ओट्स। ओट्स जो है बहुत ज़्यादा ये भी हेल्दी होता है, और इससे दलिया में एक लचीलापन आ जाता है, एक इलास्टिसिटी आ जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर 1/2 कटोरी जो है वो ओट्स ले लिया है, और इसे हमने वॉश कर दिया था। ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हम इसको भिगा के रखें, लेकिन बस हमने यहाँ पे वॉश किया है इन दोनों चीज़ों को। यहाँ हमने चिकन लिया है 1 किलो। आप चाहें तो यहाँ पर बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ये हड्डी वाला होता है चिकन, इसकी जो जायका निकल के आता है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, क्योंकि हड्डियों का अर्घ भी उसमें शामिल हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप बोनलेस जो होता है ब्रेस्ट, उसका भी हरीसा बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर हड्डी वाला लिया है। तो चलिए, 1 किलो हमने चिकन ले लिया, इसे भी खूब अच्छे से वॉश कर लिया। चलते हैं गैस की तरफ और बनाना शुरू करते हैं हरीसा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे गैस को ऑन कर दिया और प्यारे से अपने कुकर को यहाँ पे रख दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, 1 किलो चिकन के मुताबिक हम डालेंगे बस। आप भी अपने मुताबिक डाल लीजिए कि आपको कितना तेल डालना है। तो ये लीजिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तपिश महसूस हो रही है हमारे हाथ में। इसमें सबसे पहले डाल देंगे तेज पत्ते। तेज पत्ते के पास आपके पास शाहजीरा हो तो डाल दीजिए थोड़ा सा शाहजीरा, और इसमें जाएंगे थोड़े से गरम मसाले, 2-3 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4-5-6 लौंग, 2-3 कलमी के टुकड़े और 1 स्टारनिस। बस अब इसी में साथ में डाल देंगे हम 1 अदद प्याज, और इसे अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी जो प्याज है बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन हो गई है। बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, अच्छे से इसे भून लेंगे पहले, ताकि जो चिकन है वो प्याज के साथ और गरम मसालों के साथ अच्छे से भून जाए, तो उसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसे पहले अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, खूब अच्छे से ये भून गया है। बस इस वक्त ऐड कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून, और इस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी इसे चिकन को खूब अच्छे से भून लेंगे। तो ये लीजिए, मुझे 2 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए, और अब जो अदरक लहसुन है उसकी अच्छी प्यारी सी खुशबू आ रही है इस चिकन के साथ। तो बस अब इसमें डाल देंगे हम सूखे मसाले। सूखे मसाले कुछ यूँ हैं, इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब जाएगा इसमें धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर, और साथ में डाल देंगे इसमें हम 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला। सारे सूखे मसाले हमारे चले गए। अच्छे से फिर एक बार इसकी करते हैं भुनाई। जब तक ये मसाले अच्छे से पक ना जाए, उस वक्त तक आपको इसे भूनना है। बहुत आसान तरीके से हम आपको ये हरीसा बता रहे हैं,
और ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है अफ्तार के लिए भी और सहरी के लिए भी। हेल्दी भी है क्योंकि इसमें गेहूं है, ओट्स हैं, चिकन है। तो चलिए इसे अच्छे से भुनने देते हैं कम से कम 5 मिनट तक। तो यहाँ देखिए हमें 5 मिनट हो चुके हैं चिकन को खूब अच्छे से भूनते हुए। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है इस वक्त। मसाले जो हैं बहुत अच्छे से भुन गए हैं चिकन के साथ। तो बस अब बची है हमारी 2 चीज़ें इसमें डालना। यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। अभी फ़िलहाल चिकन के मुताबिक हम डाल रहे हैं जो कि है 1.5 टीस्पून। आप अपने चिकन के मुताबिक डालिएगा। और साथ में डाल देंगे 5-6 हरी मिर्च। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी आप डाल दीजिए दिल खोल के, क्योंकि इसका जो शोरबा रहेगा उस शोरबे में ही हम गेहूं और ओट्स को डालेंगे। तो चलिए ये हो गया। अब डाल देते हैं हम ढेर सारा पानी। तो हमने यहाँ पे डाल दिया पानी को। अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसे कम से कम 10 मिनट तक पकने देते हैं। आप अपने कुकर के हिसाब से करिएगा। ये जो कुकर होता है इसमें टाइम का अंदाजा होता है, यहाँ सीटी नहीं होती, तो इसीलिए मैं इसे कम से कम पहले 3 मिनट तक मैं इसे हाई फ्लेम पे करूंगी और उसके बाद मैं इसे लो कर दूंगी और 10 मिनट तक पकने दूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी 1 विसल आ गई है। अब हम गैस को स्लो कर देंगे और फिर सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसके प्रेशर को जो है ख़त्म होने देंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे प्रेशर जो है बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब इसे खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो चिकन है बहुत ही अच्छे से गल गया है। देखिए बस इस तरीके से ही चाहिए हमें। अगर आप यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस चिकन को निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हड्डी वाला है तो इसीलिए हम ये जो चिकन है इसको रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसी शोरबे में डालना है दलिया और ओट्स। अगर हम इस चिकन के साथ डाल देंगे तो इसमें हड्डियां हैं तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी और फिर मुँह में आएंगी, तो इसलिए हम इसे निकाल रहे हैं। अगर आप चिकन ब्रेस्ट इस्तेमाल कर रही हैं बोनलेस कर रहे हैं तो आप साथ में ओट्स भी डाल दीजिए और दलिया भी डाल दीजिए। इस वक्त जो गरम मसाले हैं उनको भी आप रिमूव कर सकते हैं ताकि मुंह में ना आए वो। तो हमने यहाँ पे सब निकाल लिया इसमें से। बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए ये सब निकाल लिया। तो गैस को हमने ऑन कर दिया है और ये हम डाल रहे हैं इसमें दलिया जो हमने धो के रखा हुआ था। तो यहाँ पे दलिया चला गया और ये जो आधा कटोरी ओट्स लिया था ये भी चला गया। ओट्स जो है जरूर डालिएगा क्योंकि उससे ये होता है कि थोड़ा सा इलास्टिसिटी आ जाती है। अब थोड़ा सा सालन तो था ही, लेकिन हम इसमें और यहाँ पे कम से कम 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं ताकि बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो जाए और जो गेहूं है और दलिया है वो बिल्कुल भी एक जान हो जाए। तो हमने यहाँ पे 5 गिलास डाल दिया है। आप अपने अंदाजे से डालिएगा ताकि जले नहीं, पतला रहा तो कोई बात नहीं, बाद में ये जब पकते पकते गाढ़ा हो ही जाता है। इस वक्त आप नमक को चेक कर लें, नमक बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम मैगी का 1 चिकन क्यूब ऐड कर रहे हैं और बस इसे अब हम बंद कर देंगे और बंद करके हम कम से कम 3 से 4 सीटी से दे देंगे। तो चलिए ये हमने बंद कर दिए और अब मिलते हैं कम से कम 5-6 मिनट के बाद। तो दोस्तों जब तक कुकर हमारा प्रेशर कुकर में पक रहा है ओट्स और गेहूं दलिया, जब तक हमने यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी कर लिया है। और ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। तो यहाँ पे हमने लाल कर लिया है प्याज को असली घी में और वही असली घी यहाँ पे रख लिया है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ले लिया हमने, चाट मसाला हमने लिया है यहाँ पर। यहाँ पे हमने हरी मिर्च को कट कर लिया है, नींबू लिया है, नींबू बहुत ज़रूरी है इसमें, थोड़ा सा पुदीना है और थोड़ा सा हरा धनिया है। तो ये सारे लवाजमात तैयार हैं। जैसे बस हमारा हरीसा बन के आता है तो उसके ऊपर से इसको डेकोर करेंगे और बस सबको देंगे खाने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए हमारी सीटी जो है वो आ चुकी है, तो बस अब गैस को बंद कर देते हैं और प्रेशर को खुद ब खुद ही उसी में ख़त्म होने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो प्रेशर है बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। अब जल्दी से इसे हम खोल लेते हैं। माशाल्लाह पानी वगैरह सब बिल्कुल एग्जैक्ट था। बस इस वक्त आप नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको लगता है कम ज़्यादा सब एडजस्ट कर लीजिएगा। इस वक्त हम इसको चख के देख लें इसका नमक कैसा है। बहुत अच्छा माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसमें अभी चला जाएगा। तो बस अब इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन जो निकाल के रखा हुआ था, और इसमें जो खड़ा मसाला था, हरी मिर्ची थी, कलमी थी, तेज पत्ता था, वो सब हमने अलग कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि कबाब में हड्डी मज़ा नहीं देती, बस उसी तरीके से हरीसे में भी जो मसाले हैं अगर मुंह में आएंगे तो फिर मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हमने जो भी था सब निकाल दिया। अब ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा असली घी, थोड़ी सी हरी मिर्च, बाकी तो गार्निश के और डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी लाल प्याज और थोड़े से चिली फ्लेक्स। अब इन सब को एक बार फिर से मिलाएंगे और हम प्रेशर कुकर का ढक्कन फिर से लगा देंगे और कम से कम 5 मिनट तक इसे हम सिम पे पकने देंगे। तो चलिए ढक्कन को बंद करते हैं और मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और डालते हैं। तो लीजिए हमने हरीसे को निकाल लिया। बस अब ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, पुदीने की खुशबू भी बहुत प्यारी लगती है हरीसे में, हरीसा हो, खिचड़ा हो, इन सब चीजों में। बस अब ऊपर से डाल देंगे लाल प्याज। लाल प्याज असली घी में जरूर लाल करके डालिए, उससे जायका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक, इससे रौनक भी आ जाएगी और जब लुकमे में इसके चिली फ्लेक्स के जो दाने हैं ये आते हैं तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो ये हो गया, इसमें डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और डाल देंगे ऊपर से घी जिसमें हमने प्याज को लाल किया था, थोड़े से नींबू को इस पे निचोड़ देंगे। ये हो गया और लास्ट में डाल देंगे इस पे हरी मिर्च जो कि जायके को और बढ़ाएगी और एक बहुत प्यारी सी इस पे खुशबू भी आ जाएगी। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा हमारा झटपट बनने वाला बहुत ही आसान तरीके से बना हुआ हरीसा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस रेसिपी को आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा हमारा हरीसा तैयार हो गया है। बहुत ही आइडियल रेसिपी है अफ्तार के लिए और सहरी के लिए, ताकत के लिए भी बहुत अच्छी है, हेल्दी भी बहुत है, बच्चे और सारे फैमिली वाले बहुत ज़्यादा इसे पसंद करने वाले हैं। तो ज़रूर बनाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो फिर मिलते हैं एक मज़ेदार सी आसान सी झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। खुदा हाफिज़।